Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Today, I'm going to start a new chapter. New chapter, motion in a straight line. So, this is belonging to class 11 NCERT physics. And the number of the chapter is third chapter. So, this is lecture one. So, I'm starting with the 3.1 introduction, where this is the beta series. Okay. So, हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं बच्चों एंड वी ऑल नो दैट मोशन इज कॉमन टू एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स. मतलब कोई भी आप चीज ले लो तो उसके लिए मोशन तो बहुत ही कॉमन चीज है. वी ऑल नो दैट. ठीक है, तो चलो एक के बाद एक चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर्सर लिया है, ये आपको रेड कलर का दिख रहा है. आई थिंक यहाँ पे लेक्चर वन पे आप देख सकते हो कैसे मैंने मूव कर रहा हूं. ओके, सो माय डियर किड्स लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हु इज वॉकिंग. फाइन, सो वी कैन से दैट दिस पर्सन इज इन मोशन. ठीक है, एंड रनिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ मोशन. मे बी हियर स्पीड वेरीज एज कंपैरिजन विद द वॉक. ठीक है, बट स्टिल दिस इज मोशन. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप रनिंग का मैंने लगा के रखा है. ठीक है, एंड इवन व्हेन वी आर सीइंग एन एग्जांपल ऑफ बाइसिकल राइडिंग. ठीक है, तो ये बाइसिकल क्या कर रहा है, व्हाट इट इज डिपिक्टिंग, टेल मी. इट इज डिपिक्टिंग सिंपली अ मोशन. ठीक है, यहाँ पे भी मोशन इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा रहा है. ठीक है, बाइसिकल इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, चलो, सो ये चीजें क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर डिपिक्टिंग मोशन. एंड इवन देन व्हेन यू आर स्लीपिंग, आप जब सोते रहोगे तो से फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड यू विल कम टू नो दैट इट माइट बी रेस्ट, आपको लगता है कि ये रेस्ट पे है. इफ यू सी From the same frame क्या होता है? ये जो बंदा सो रहा है, this person is sleeping, since he is sleeping on the earth, ठीक है? तो आप भी earth पे खड़े हो, it means that you are using the same frame. मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चों. Now I'll take the earth surface. एक बंदा यहाँ पे सो रहा है, ठीक है? और आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो, from the same surface. So ये बंदे को पर्सन बी को पर्सन ए सोया हुआ नजर आएगा. ओके, बट इफ द पर्सन ही विल मूव फ्रॉम द अर्थ एंड से फॉर एग्जांपल ही इज सीइंग फ्रॉम द स्पेस, मींस पर्सन बी इज सीइंग पर्सन ए हु इज स्लीपिंग ऑन द अर्थ सरफेस, बट दैट पर्सन बी इज स्टैंडिंग स्टिल इन द स्पेस. तो यहां पे क्या हो रहा है, इट सीम्स दैट पर्सन ए इज मूविंग, रोटेशनल मोशन हो रहा है एंड पर्सन बी इज स्टेशनरी. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? व्हेन द पर्सन बी चेंजेस द फ्रेम, ठीक है, ऑफ रेफरेंस, अर्लियर बोथ वेयर इन द सेम फ्रेम ऑफ अर्थ, नाउ चेंज हिज फ्रेम, तो अब ये जो सोया हुआ बंदा है ही इज नॉट इन रेस्ट, ही इज इन मोशन. नाउ व्हेन द सेम पर्सन्स लंग इज अगेन एनालाइज्ड, यहाँ पे लंग्स ले लिया मैंने इसी बंदे का, ठीक है, तो हो क्या रहा है, यू कैन सी हियर लंग्स में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये राइट पोर्शन वाला लंग है एंड दिस इज लेफ्ट पोर्शन वाला. ठीक है, मींस दैट पर्सन्स राइट एंड लेफ्ट, अगर आपके तरफ से देखो तो ये लेफ्ट वाला हो जाता है और ये राइट वाला हो जाता है. ठीक है, चलो, नाउ द ग्रीन मार्क, इफ यू सी द एरो मार्क्स हियर, हियर इज द ग्रीन एरो मार्क एज वेल एज रेड एरो मार्क. रेड एरो मार्क इज शोइंग outward direction, means the direction of the red arrow mark is in the outward mode and the green arrow marks is in the inward mode. So inward mode is showing inhaling of the oxygen, theek hai, and outward mode is showing exhaling of the oxygen, means basically air ko ek to andar liya ja raha hai aur dusra bahar bheja ja raha hai. Fine, so what we are observing here into the lungs, we are observing the motion
ऑफ एयर. ठीक है, यहां पे भी हम मोशन देख रहे हैं. ठीक है, सो आपको ये चीज पता चला मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू पीपल्स हैव केम टू नो दैट. ठीक, चल नाउ वील कम टू द आर्टरीज एज वेल एज वीन्स. तो ये आर्टरीज और वीन्स क्या होती है बेसिकली? जैसे कहीं दूर से हमको अगर पानी हमारे घर तक लाना है तो हम लोग पाइप यूज करते हैं. सो सेम वेज इन टू अवर बॉडी. अगर समझो कि मुझे एक पोर्शन ऑफ द बॉडी से दूसरे पोर्शन ऑफ द बॉडी को ब्लड भेजना है और वहां से फिर से मेरे उसी पोर्शन को लाना है, तो छोटे छोटे पाइप्स बॉडीज के अंदर होते हैं, तो हम लोग उसको आर्टरीज एंड वीन्स बोलते हैं. अब आपका ये अगला क्वेश्चन हो सकता है कि सर आर्टरीज किसको बोलते हैं और वीन्स किसको बोलते हैं. ठीक है, सो व्हेनेवर यू इनहेल द ऑक्सीजन थ्रू द लंग्स थ्रू द नोज टू योर लंग्स. ठीक है, तो आपके नाक से जब ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स से जो ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, वो सीधा हार्ट में मिक्सअप होता है और हार्ट में मिक्सअप होके जब आउटवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई होता है. मेरी बात समझने की कोशिश करो. व्हेन द ऑक्सीजन इज गेट मिक्स्ड विथ योर ब्लड एंड इट इज मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इनटू होल बॉडी. ठीक है, तो वो किसके माध्यम से आउट करता है ब्लड? थ्रू द आर्टरीज. मतलब ये जो रेड कलर से मैं आपको ब्लड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ब्लड इज मूविंग थ्रू दिस छोटा वाला पाइप, दैट इज कॉल्ड आर्टरीज. मींस दिस पाइप थ्रू विच द ब्लड इज मूविंग टू द ऑल पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड व्हेन दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वहां से मूव कर जाता है उस ब्लड से, फिर वापस वही ब्लड अगर हमारे उसी पोर्शन को आता है कहां पे, हार्ट पे, एंड दैट ब्लड विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो वो ब्लड जो है ना ऑक्सीजन से डीऑक्सीजन हुआ रहता ना. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जाके सेल्स पे एब्सॉर्ब करेगा तो फिर डीऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड वो, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन इट विल कम बैक टू द हार्ट. ठीक है, तो वहां पे किसके थ्रू आएगा वो? थ्रू द पाइप कॉल्ड वीन्स. मतलब पाइप में से जो ब्लड आएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इट विल बी थ्रू वीन्स, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट विल गेट सप्लाइड टू द होल बॉडी थ्रू द पाइप कॉल्ड आर्टरीज. है ना, कॉमन भाषा में समझाना चाहे तो. एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज कमिंग थ्रू द पाइप आर कॉल्ड एज वीन्स. अगेन इट विल कमिंग बैक टू द सेम पोर्शन ऑफ द बॉडी, हार्ट. ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंस पता चला कि आर्टरीज एंड वीन्स वहां पे ब्लड कैसे आउट और इन होता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें भी तो मोशन हो रहा है बिकॉज ब्लड इज मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो आपका जो मेन खिलौना है हार्ट है, तो हार्ट पे आर्टरीज भी लगे हुए हैं, वीन्स भी लगे हुए हैं. ठीक है, सो वी केम टू नो दैट द मोशन ऑफ द ब्लड. यहाँ पे भी हमको मोशन कॉमन लगा. नाउ व्हेन यू सी द एग्जांपल ऑफ ट्रीज, ओके यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ट्री. तो ट्री से यहाँ पे एक लीव नीचे पड़ रहा है. बेसिकली दैट लीव जो है, पत्ता जो है, वो पेड़ पे जब था वो था, इट वॉज एट रेस्ट, बट वेन इट इज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, बेसिकली इट इज हैविंग मोशन. तो यहाँ पे भी मोशन हमको कॉमन लगा. ठीक है, जैसे दूसरी चीजों में लगा. एंड इफ यू सी एन एग्जाम्पल ऑफ डैम, फॉर एग्जाम्पल आलमट्टी डैम, व्हेन यू पीपल्स आर ट्रैवलिंग टू हुबली और धारवाड़ और गदग और यू नो क्या कहते हो आप बागलकोट, यू विल कम टू नो द डैम आलमट्टी डैम. ठीक है, ऐसे बहुत सारे डैम्स होते हैं जहां पे पानी का जमावड़ा किया जाता है. सो आफ्टर कहते हैं ना उसको, बहुत देर तक रखने के बाद जब डैम फुल हो जाता है, सो यू विल ओपन अप द गेट्स. वहां पे क्या होता है, मोशन ऑफ वाटर है ना, मतलब वाटर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तेजी से, नॉट नॉर्मल, नॉट स्लोली, तेजी से. सो यू आर सिंपली एडिंग अप द
टेस्ट ऑफ मोशन आप बढ़ा रहे हो, मतलब मोशन बहुत तेजी से होता है, मोशन बहुत कम तेजी से होता है, मोशन विल बी मीडियम, क्या कहते हो, मीडियम तेजी से, मीडियम स्पीड. सो यू आर सिंपली एडिंग अप द टेक्सचर टू द मोशन. तो आप उसको बाद में अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हो, यू विल गिव द नेम्स टू द मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन करके. बट बेसिकली वॉट वी आर ऑब्जर्विंग हियर इज मोशन इन टू द डैम. ठीक है. नाउ इफ यू सी द प्लेन एंड ऑटोमोबाइल्स, प्लेन क्या होता है, आफ्टर रनिंग थ्रू द रनवे फ्लाई करेगा, इट इज ऑल्सो हैविंग मोशन. ठीक है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जा रहा है, तब आप कहते हो कि मोशन कर रहा है प्लेन. एंड व्हेन इट कम्स टू द ऑटोमोबाइल्स, जस्ट लाइक ट्रक, कार एंड रिक्शा, तीनों में क्या हो रहा है, तीनों में आपको एक चीज कॉमन लग रही है इन टू द ऑटोमोबाइल्स, व्हेन यू फिट द इंजन. ठीक है ना, तो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर रहा है. ठीक है, सिंपली यू आर कंट्रोलिंग, क्योंकि एक ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है तो वो बंदा कंट्रोल कर रहा है उस मोशन को, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली. एनालॉग से आप जैसे इन द हिस्ट्री तोप लेके जाते थे, तो तोपों को क्या किया जाता था, या तो एलिफेंट खींच के लेके जाते थे, और एल्स द कहते हैं ना सोल्जर्स ऑफ पर्टिकुलर किंग, दे वेर यू नो ड्रैगिंग दैट तोप, खींच के लेके जाते थे. ठीक है, दैट इज द एनालॉग वे टू मूव अ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे तो एनालॉग वे से कुछ नहीं, कोई ट्रक को धक्के मारते हुए या कार को धक्का मारते हुए नहीं लेके जा रहा है फ्रॉम बीजापुर टू शोलापुर. हाँ, वो अलग बात है कि इफ इट इज नॉट हैविंग एनी इंजन और आप ऐसे ही ठेले की तरह उसको धकेलते हुए लेके जा रहे हो अपने जिद की वजह से, वी कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर दैट. ओके, so in the plane as well as in automobiles we are observing what, we are observing motion. ठीक, and if you see the sun and earth into our solar system, you will come to know that sun will be stationary into the mid of your solar system's orbit. अगर आप earth का ही orbit ले लेते हो, ठीक है, means earth's rotation, earth's revolution around the sun, if you see that, you will come to know that earth is having motion, circular motion, where around sun, as well as another type of motion the earth is making, that is rotational motion of the earth about its own axis. Matlab ek to earth chakkar laga raha hai sun ke ird gird, as well as it is moving, मतलब एक रोटेट कर रहा है वो अपने एक्सिस के अराउंड, मतलब वो घूम रहा है, घूमते हुए ही राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, किसको, सन को. सो अर्थ इज परफॉर्मिंग टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज रोटेशनल मोशन यहीं पे, अंदर वन इज सर्कुलर मोशन इनटू द ऑर्बिट. ठीक है, सो हियर ऑल्सो वी ऑब्जर्व मोशन. ठीक है, नाउ आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिल्की वे. वॉट इज बेसिकली मिल्की वे, इट इज अवर होम गैलेक्सी. होम गैलेक्सी मतलब जो हमारा अर्थ है, इट इज इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम मीन्स इट इज द पोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्टार, एंड दैट पर्टिकुलर स्टार इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, और उसका नाम है सन. तो हमारा सूर्य जो है, सन जो है, इट इज अ स्टार, एक स्टार है, तो उसके इर्द गिर्द उसका एक सिस्टम है, उसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं. ठीक है, नाउ ये जो सन है, ऐसे सन कहने के बजाय ऐसे स्टार्स बहुत सारे हैं इनटू द ग्रुप. ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या है, है वो, एंड द फॉर्म ऑफ दैट ग्रुप विच वी कॉल एज द होम गैलेक्सी, द मिल्की वे, उसका रूप कैसा है, इट इज लाइक दिस. ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, यू कैन सी हियर, दिस इज द ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं इसमें, और सन हमारा कहां पे है, समवेयर, से फॉर एग्जांपल हियर, दिस इज योर सन, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं. ठीक है, तो वो घूमते रहते हैं, उसका चक्कर कैसा होता है, ऐसे चक्कर लगाना होता है. ठीक है, वेट, वो घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं. ठीक है, it will be going to
make a circular motion into particular circle कह सकते हो या oval shape circle कह सकते हो. तो ये हमारा Milky Way galaxy. Now this is one galaxy. ठीक है, ऐसे बहुत सारे galaxies हैं. तो उसका एक अलग से group है. ठीक है, उसका एक अलग से group है. और वैसे group को एक single group माना जाए, group of galaxy. वैसे बहुत सारे group of galaxies हैं. लेकिन group of galaxies we are not going to observe that. We are not going to think about that. We are going to think about our home local group of galaxy. मतलब जो हमारा local group है, जहाँ पे हमारा Milky Way galaxy रहता है, वैसे बहुत सारे galaxies हैं. तो उसमें भी क्या होता है, इस तरह से चक्कर लगाया जाते हैं बहुत सारे. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें समझो कि ये आपका Milky Way galaxy है. तो ऐसे बहुत सारे galaxies हैं इस group में. It is called as local group of galaxies. So what we are observing, आप galaxy से लेके इंसान तक कोई भी examples ले लो, we are simply observing motion as a common in everything in this universe. ठीक है, तो कोई भी चीज ले लो, उसमें हमको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो है मोशन पूरे यूनिवर्स में. ठीक है, सो द फर्स्ट जो एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लेक्चर वन में, वो चीज हमने समझा. और क्या समझा उसमें, हमने समझा कि मोशन इज कॉमन एवरीवेयर इन एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स. ठीक है, चलो तो हमने ये तो समझ लिया कि मोशन तो कॉमन है, लेकिन व्हाट इज मोशन बेसिकली, वी शुड नो दैट. हमें ये चीज पता चलना है कि मोशन क्या है. ओके, तो अगर इसका मैं आंसर लिखूं, विल कम टू नो दैट कि मोशन क्या है. मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो मोशन क्या पता चला हमें, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन कि मोशन क्या है, मोशन हमको पता चला कि इट इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो इस यूनिवर्स का, अगर वो टाइम के अनुसार अपना पोजिशन को चेंज करता है, ठीक है, तो तब हम उस फिनोमिना को, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, हम मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई मार्क टू पॉइंट्स हियर. ठीक है, तो समझो कि कोई बॉडी यहाँ पे खड़ा है. ओके, अ बॉडी इज प्लेस्ड इन दिस प्लेस. ठीक है, और वो बॉडी कुछ देर के बाद यहाँ पे रहता है. ठीक है, सेम बॉडी. एंड हाउ इट इज हैपनिंग, ये कैसे हो रहा है, बिकॉज आई एम चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द बॉडी, मैंने यहां से लेके यहाँ पे रखा. ठीक है, एंड हाउ मच टाइम इट टुक, ये कितना टाइम लिया. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल नाउ this is 1 second and this is 1 second, basically 2 seconds का time लिया इसने, है ना. तो 2 seconds का time इस object ने लिया अपने position को change करने के लिए, from this position to this position. So from here to here what I'm taking, मैं जो ले रहा हूँ, I'm taking this as a distance. ठीक है, तो और यहां से लेके यहां तक भी same distance मैंने लिया. So what I came to know that this is 1 meter and this is 1 meter. So 1 meter plus 1 meter is 2 meter. So 2 get cancelled. Now we came to know that 1 meter in 1 second means I have changed this position from initial point to the final point. ये आपका final point है, ये आपका initial point है. तो total distance जो था वो 2 meter था. And total time taken is 2 seconds. And we came to know that this body has traveled 1 meter in 1 second. So, इससे क्या पता चल रहा है? We are describing the motion. What we are trying to do, here we are trying to do is
वी आर डिस्क्राइबिंग मोशन, कि हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? कि मोशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने अगर यहां से यहां तक ट्रैवल किया तो टाइम रेफरेंस हम ले रहे हैं. क्योंकि मोशन को अगर बताना है तो आपको रेस्ट को भी बताना पड़ेगा. मींस यू नीड टू एक्सप्लेन रेस्ट आल्सो इफ यू आर एक्सप्लेनिंग द मोशन. से फॉर एग्जांपल अ बॉडी इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट ए है. एंड आफ्टर वन सेकेंड द बॉडी इज नॉट मूव्ड. एट द नेक्स्ट सेकेंड एट द थर्ड सेकेंड इवन आफ्टर पासिंग द 3 seconds द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन. सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज रेस्ट. तो ये क्या है? दिस स्टेट ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड एज रेस्ट. एंड वॉट इट इज शोइंग, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन इन टू द स्टेट. बट इन दिस केस वॉट इज हैपनिंग, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे ही 2 seconds पास कर गए तो बॉडी यहां से लेके यहां तक मूव कर गया. मीन्स इट हैज चेंज्ड इट्स पोजिशन. बट वी आर नॉट गोइंग टू गो गेट इनटू द कॉज कि मैंने कितने ताकत से मूव करा. आई एम नॉट आस्किंग एंड आई एम नॉट सेइंग दैट विथ व्हाट फोर्स आई एम अप्लाइंग ओवर दैट एंड इट इज मूविंग. तो मैं फोर्स के बारे में यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन एंड वी आर ट्राइंग टू स्टडी ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन कितने तरीके का हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली मोशन तो हमें पता चला क्या है ना, और हमने इसको डिस्क्राइब भी किया. लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड मोशन प्रॉपरली, वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे पॉइंट है, टू अंडरस्टैंड द मोशन वी हैव टू डेवलप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन. तो हमको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा. नाउ एज आई सेड हियर इन द अबो एग्जांपल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है, एक तो वो डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा. एंड इफ से फॉर एग्जांपल इट इज नॉट कवरिंग अ डिस्टेंस फॉर 1 second, सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर करेगा. इट मीन्स दैट फॉर फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस इज इक्वल टू 0. तो वो चीज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा. एंड व्हाट वी आर सेइंग इन द नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम फॉर द सेकेंड वी आर सेइंग दैट से फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट सेकेंड 0 meters द बॉडी हैज कवर्ड. And for the next second, second mein, it has covered 2 meters. So if you see this, you'll come to know that. Ki difference kya hai? Theek hai? So you will say that this is not velocity. Ye velocity nahi hoga. Theek hai? So it will be, if we are talking about magnitude, agar magnitude matter karta hi hai. So ye difference kya batayega? This difference shows that we are talking about speed, है ना? तो ये speed के बारे में. And when we don't know the direction, क्योंकि मैंने यहाँ पे direction कहीं पे भी नहीं डाला, so it matters a lot. तो speed जो है, it will be not कहते ना, speed will be sometimes it will be not a type of motion, because to know the type of motion we need to have direction. तो direction चाहिए ही चाहिए, ठीक है? और direction चाहने के लिए, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन वी शुड हैव सम मैग्नीट्यूड. ठीक है, अगर रैंडम भी आप डायरेक्शन ले रहे हो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट इफ वी आर हैविंग द मैग्नीट्यूड देन वी कैन डिसाइड दैट या इट इज अ टाइप ऑफ मोशन. अगर वो 0 meters कवर कर रहा है फॉर एवरी सेकेंड, मेरी बात समझने की कोशिश करो, फॉर एवरी सेकेंड अ बॉडी is covering 0 meters, we are talking about rest. It means that it is not a type of motion. So, jab speed ki baat aati hai, so it will be a bit difficult thing to decide that is it a type of motion or not. But when we are taking as a velocity term, so we can decide that this is a type of motion. Theek hai?
तो इतना डीप से क्यों बताना पड़ रहा है बच्चों? बिकॉज वी शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद द कंसेप्ट्स. कंसेप्ट्स के बारे में हमको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी ईजी. ठीक है. सो हम वेलोसिटी के बारे में बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है? सो वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. तो ये चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, चेंज इन पोजिशन किस तरह का होना चाहिए? मीन्स इफ आई एम सेइंग दैट कि स्पीड समटाइम्स इट विल बी नॉट कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ मोशन. सो व्हाट टाइप ऑफ, मतलब क्योंकि स्पीड में भी चेंज इन पोजिशन होता है बट नॉट ऑल द टाइम. बट इन द वेलोसिटी मैक्सिमम टाइम्स यू कैन टेक चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो इसी टर्म को हम क्या कह सकते हैं? वी कैन टेक इट एज अ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. वी कैन टेक इट एज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. ठीक है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंड आप जब स्पीड के बारे में बोल रहे थे सर, वो क्या था? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डेफिनेशंस बिकॉज आई एम टेकिंग यू द इंट्रोडक्शन. तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए नहीं जाऊंगा. ठीक है. चलो. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव इन एनी डायरेक्शन, यहाँ पे एक सर्कल डाला हुआ है. सो दिस ऑब्जेक्ट विल मूव 2 meters per second. इन विच डायरेक्शन वी डोंट नो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड. ठीक है. तो डिस्टेंस कवर होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. 1 second में 2 meters क्या करेगा? अप्रोच करेगा ये ऑब्जेक्ट एंड इट विल गो टू वन पर्टिकुलर एंड. वी आर नॉट श्योर दैट इन विच डायरेक्शन इट विल मूव. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पीड. बट वेन वी से दैट the object will be going to get into this direction towards east. ठीक है. towards east. अगर मैं east करके बोल रहा हूँ, it means that we are talking about particular direction. ठीक है. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि from position A to position B, the object has moved and the displacement of a object has been done here with respect to time. तो 2 meters per second ये भी. This is velocity. ठीक है. लेकिन when we are talking about this, this is speed, since we don't know the direction in this case. ठीक है. तो इसी वजह से speed sometimes it will be not called as motion and velocity will be called as all the time motion. ठीक है. Now we came to know that what is velocity. ठीक है. थोड़ा सा और एक example ले लेते हैं speed और velocity को समझने के लिए. ठीक है. ये तो पता चल गया कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है. ठीक. लिसन अप माय डियर किड्स, आई विल टेक अ सर्कल. मैं एक सर्कल लूंगा एज एन एग्जांपल. ओवल शेप ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. नाउ से फॉर एग्जांपल दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड से फॉर एग्जांपल the object will move from initial point to final point yahan pe. theek hai. or else I'll take example bahut hi alag tarike se lunga. wait. ha. now the object is trying, the object is trying to move From here to here, ये आपका final point, ठीक है. So this is initial point and this is final point, ठीक. तो say for example this is 2 meters and if the object moves from this path, say for example the length of this path is 3 meters and the length of this path is 3 meters, but all the distances are showing different magnitudes. ठीक है. लेकिन यहाँ पे दोनों तो same है, 3 meters and 3 meters. It means that the distances are having same length of path.
In this case, 2 meter, it is shortest distance, comparison with these two distances. ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, when the motion has been done by a body from initial point to final point, we are saying that the displacement has been done by the body. Displacement क्या होता है, the body is traveling a shortest distance. सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है इसमें, 2 मीटर है. अगर ये पाथ भी आप चुनते हो, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2.5 मीटर, सो 2.5 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, सो दीज आर लेंथी डिस्टेंसेस. सो वी कैनॉट कॉल दैट इफ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम 2.5 और 3 मीटर ऑफ डिस्टेंस, वी कैनॉट कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट. वी कैन कॉल डिस्प्लेसमेंट ओनली वेन इफ द बॉडी ट्रेवल्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ओके, एंड डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस विल बी लेंथी रूट, है ना. सर क्या ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मैंने इस सर्कल को हटा दिया, इफ आई रिमूव दिस सर्कल सर, एंड इफ आई एम टेकिंग ओनली दिस लेंथ, नाउ कैन वी कॉल दिस एज डिस्टेंस सर. यस माय डियर किड, क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ सर? यस माय डियर किड्स, नाउ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज सेम. मेरी बात समझने की कोशिश करो, इनिशियल पॉइंट इज हियर एंड द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और बॉडी यहां से लेके यहां तक मूव करा, नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द वन वे गोइंग, ठीक है. तो सर इसमें और कोई टाइप बना सकते हैं, लाइक कैन वी टेक अनदर एग्जांपल सर? नाउ मैंने कैसे लिया था, राइट से लेफ्ट लिया था. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक लेफ्ट टू राइट, ऐसे द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है. से फॉर एग्जांपल बॉडी कवर्ड 2 मीटर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, तो इनिशियली तो हमको क्या लग रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है ना. नाउ से फॉर एग्जांपल आफ्टर रीचिंग हियर द बॉडी अगेन रिटर्न, द बॉडी रिटर्न्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू सेम पॉइंट पे आके बॉडी रुक गया. नाउ टेल मी दैट कि डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है. लेट मी टेल यू इन अ वेरी क्लियर वे माय डियर किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द बॉडी has covered from initially from point A to point B, so usne kitna cover kiya tha, 2 meter of distance in the positive x direction, but when the body is coming back to the same position, it is covering the distance of 2 meter in negative x direction. Okay, so my dear kids listen up, where we were, okay, hum yahan pe the, to ek body hai 2 meter usne distance cover kiya plus x plus, and same body when it came back to the point A, it is covering the distance of what, plus x only, but the direction will be opposite to the plus x, matlab iske opposite mein, to isliye maine isko minus x liya. To total distance, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, दैट इज जीरो. ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, बट टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं आता है डिस्टेंस के केस में. सो डिस्टेंस के केस में क्या आता है, देयर विल बी नो कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन, तो आपको सिर्फ 2 मीटर एज वेल एज 2 मीटर, मतलब अगर ये 2x है तो x क्या है, 2 मीटर है, सो 2 into 2 what, 2 into 2 is 4, आपको 4 मीटर मिल रहा है. वेट, सो डिस्टेंस कितना मिल रहा है, 2 into 2 is equals to 4 मीटर, मतलब ये 2 मीटर और 2 मीटर को दोनों को ऐड कर दिया हमने, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 plus 2 4 हो गया, क्योंकि मैं x plus x 2x किया था, तो 2 प्लस 2 कर लो, दैट विल बी 4 मीटर. सो 4 मीटर क्या है, दिस इज डिस्टेंस, बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 2 माइनस 2 दैट इज 0, है ना. सो द बॉडी कवर्ड इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर,
और डिस्टेंस 4 मीटर है ना। तो वेलोसिटी के भी इशू में आप सेम चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कैसे? यू कैन सी हियर, आई विल शो यू हियर। ओके, लिसन अप। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? इफ इट इज 0 मीटर, इन पर्टिकुलरली समझो कि 2 मीटर को कवर करने में 1 सेकंड लगा था, फिर इसको 1 सेकंड, तो 0 मीटर इन 2 सेकंड कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय 2 सेकंड, दैट इज 0। सो वेलोसिटी कितना था यहाँ पे? 0 मीटर पर सेकंड, आप ये कह सकते हो। बिकॉज पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव वेलोसिटी इट इज मेकिंग व्हाट, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव वेलोसिटी क्या बता रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी प्लस 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एंड नेगेटिव वेलोसिटी मींस इन द अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी का आप डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हो तो माइनस 2 मीटर पर सेकंड। तो टोटल वेलोसिटी कितनी आ रही है? वी टोटल, वेट, सो वी टोटल कितना आ रही है आपकी? वी टोटल इज इक्वल्स टू वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव। तो प्लस 2 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड इज 0 मीटर पर सेकंड, तो आपकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। बट इन केस ऑफ स्पीड, स्पीड का क्या कर रहे हो आप? स्पीड इज सिंपली यू आर एडिंग दैट थिंग, है ना। तो 2 मीटर पर सेकंड एज वेल एज 2 मीटर पर सेकंड, है ना। सो 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड कितना हो रहा है? 4 मीटर पर सेकंड। सो हम लोग यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी का, इसीलिए स्पीड का जो है ना एक प्रॉपर तरीके का हम लोग आकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको टाइप ऑफ मोशन में नहीं डालते हैं, ठीक है। ओनली वेलोसिटी वी पुट, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं ना। सो वेलोसिटी का आपको पता चल गया कि आफ्टर डेवलपिंग द कंसेप्ट ओवर वेलोसिटी, है ना, हमने वेलोसिटी का कंसेप्ट को डेवलप किया एंड वी केम टू नो दैट व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। अगर किसी एक डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है पता है? वी नीड टू फोकस ऑन द रेक्टिलिनियर मोशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, रेक्टिलिनियर मोशन मींस वी नीड टू टॉक अबाउट वन डायमेंशनल मोशन। If you are talking about one-dimensional motion, we can understand velocity as well as acceleration in a very well mode, है ना? तो तभी हम इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं। तो rectilinear motion तो आपको पता चल गया कि कोई भी body या कोई भी object अगर straight line में move करता है, तो उसको हम rectilinear motion कहते हैं। और velocity के example को समझने के लिए हमको rectilinear motion को focus में रखना पड़ेगा, as well as acceleration क्या होता है? Whenever there will be change into velocity, velocity में अगर कोई change आता है, ठीक है, तो change आना मतलब क्या होता है? What do you mean by change? ये change क्या होता है velocity में? Change मतलब increase होना, okay, decrease होना, fine, sir, if no change, अगर no change हुआ, मतलब change ही नहीं हुआ, तो तब velocity का एक्सेलरेशन बनता है क्या सर? नो, बट नो बच्चों, एक्सेलरेशन विल बी जीरो इन दिस केस व्हेन देयर विल बी नो चेंज इनटू वेलोसिटी। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड इफ इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी इनटू इंक्रीजिंग मोड, तब आप उसको एक्सेलरेशन कह सकते हो। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो एड होते जा रहा है, मीन्स इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग so it is getting added, तो आप कह सकते हो कि उसको positive acceleration। And if the velocity is decreasing with respect to time into that event, so that is called as negative acceleration, है ना, तो आप उसको negative acceleration कह सकते हो। तो हमने acceleration को दो हिस्सों में बांटा, ठीक है, we have divided acceleration into two modes, कौन से, एक आपका है पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव को जब भी कहते हैं
जरूरी नहीं है कि उसको आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन बुलाओ. सिंपली इफ यू कॉल इट एज एक्सेलरेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. एंड से फॉर एग्जाम्पल, इफ द बॉडी विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, तो आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते ही कहते हो. ठीक है. सो यू शुड टेल इट एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना. नाउ नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है, इट विल बी हैविंग एनदर टू नेम्स माय डियर किड्स, उसके और दो नेम्स हैं. ठीक है. सो व्हाट इज दैट, उसके और दो नेम है. एक आपका रिटार्डेशन, ठीक है, एंड अनदर वन इज डिसेलरेशन. ठीक है. सो वी केम टू नो दैट कि एक्सेलरेशन क्या है, है ना. तो एक्सेलरेशन वो चीज है जहां पे वेलोसिटी आपकी चेंज करती है. ठीक है. तो अगर उसको डिटेल में पढ़ा जाए तो एक्सेलरेशन विल बी डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, एंड आल्सो इट इज डिवाइडेड इनटू नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है, इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. नाउ नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड वी केम टू नो दैट, एंड हियर वी सेट अ रूल, वी हैव सेट अ रूल. ठीक है. हमने एक रूल को सेट किया और बोला कि क्या बोला, इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला तो नेगेटिव एक्सेलरेशन. सर अभी इसमें इंक्रीज इन वेलोसिटी इफ वी कीप द टाइम फैक्टर कांस्टेंट, मींस फॉर एवरी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या चेंज इन वेलोसिटी सेम हो सकती है या चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट वे में हो सकती है. अभी ऐसे हम इनको डिवाइड करते हैं. एंड से फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर कीपिंग द टाइम फैक्टर कॉन्स्टेंट इन बोथ ऑफ द केसेस एंड हियर चेंज इन वेलोसिटी जिसको आप कह रहे हो एक्सेलरेशन, इफ द चेंज इन वेलोसिटी, इफ द इंक्रीज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इफ द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज टेकिंग प्लेस इन अ सेम मोड विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब चेंज इन टाइम क्या है, नहीं हो रहा है यहां पे, द वी हैव केप्ट टाइम कांस्टेंट फॉर एवरी सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी जो हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सेम हो रहा है, फॉर एवरी सेकंड इट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी विथ 2 meters per second. मेरी बात समझो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वो भी कैसे, 2 meters per second फॉर एवरी सेकंड, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके. नाउ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज टेकिंग प्लेस बट एवरी फॉर एवरी सेकेंड, यहां पे इन दिस केस फॉर एवरी सेकेंड द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज डिफरेंट. जैसे कि फर्स्ट इंस्टेंट में उसने 2 meters per second इंक्रीज किया, मतलब इंक्रीज किया, फॉर नेक्स्ट सेकेंड इट इज इंक्रीजिंग विद 3 meters per second फॉर नेक्स्ट सेकेंड, फॉर द थर्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम सेम है, एट दिस टाइम 5 meters per second, मींस देयर इज नॉट यूनिफॉर्मिटी इनटू चेंज इन वेलोसिटी. तो इसको बोला जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, है ना. तो यहां पे भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है बट द एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मेट. तो यहां पे जो फॉर्मेट है चेंज इन वेलोसिटी का वो नॉन यूनिफॉर्म है, इक्वली इंक्रीज करते नहीं जा रहा है, नॉन इक्वली इंक्रीज करते जा रहा है, एक बार 2 कर रहा है, एक बार 3 कर रहा है, एक बार 5 कर रहा है, फिर से आप 3 नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, वी सेड वी शुड नॉट गेट मिक्स. अगर डिक्रीजिंग होगा तो फिर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सिंस फॉर द एग्जांपल वी आर टेकिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक द इंक्रीजिंग ऑर्डर. लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पे हमने कैसे लिया है, आफ्टर 2 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद एकदम से 11, मतलब कोई
यूनिफॉर्मिटी नहीं है चेंज इन वेलोसिटी में, इंक्रीज इन वेलोसिटी में. तो दिस टाइप ऑफ इंक्रीमेंट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ इंक्रीमेंट, और इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलते हैं. मेरी बात क्लियरली समझ में आई? तो ऊपर वाले चीज को इसको बोला हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल एक्सेलरेशन. ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई अभी. नाउ नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं एंड डिसेलरेशन भी कहते हैं. ओके, हियर जैसे यहां पे ऊपर में इंक्रीज हो रहा था, यहां पे डिक्रीज होगा. अभी देखो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन या यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कैसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है? देखो फर्स्ट 10 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज इन वेलोसिटी, एंड देन 8 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज इन वेलोसिटी, देन 6 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड. ठीक है ना, एवरी सेकेंड को क्या हो रहा है, इतना डिक्रीज हो रहा है, 2-2 मीटर, मतलब 2-2 मीटर डिक्रीज होते आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है इन वेलोसिटी. एंड नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकेंड, फॉर नेक्स्ट सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड. मीन्स अगर आप माइनस करोगे तो यू विल गेट द यूनिफॉर्मिटी. कितना, 10 में से 8 निकाला 2 मिला, 8 में से 6 निकाला 2 मिला. तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी का, बट इन व्हाट मोड, इन डिक्रीजिंग मोड, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे. सो वी कैन कॉल दिस एज यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ठीक है, अभी वेरिएबल रिटार्डेशन क्या होता है? वेरिएबल मतलब यहाँ पे जैसे 10 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट इंस्टेंट हुआ, तो हो सकता है नेक्स्ट में आप 8 मीटर ना मिले, एकदम से 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 मीटर का यहाँ पे डिफरेंस आया, और नेक्स्ट मोड में क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड. मेरी बात समझ में आ रही है? 4 से ड्रॉप करके एकदम से 1 का डिफरेंस निकालना, फिर 5 से एकदम 2, ठीक है, 2 से एकदम 1, यहाँ पे कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है. देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द velocity. ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, हियर डिक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज टेकिंग प्लेस बट इन नॉट यूनिफॉर्म वे, नॉन यूनिफॉर्म वे. तो इसको हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, और एल्स यू कैन यूज द डिफरेंट टर्म फॉर दिस, वेरिएबल डिसेलरेशन, वेरिएबल रिटार्डेशन, वेरिएबल नेगेटिव एक्सेलरेशन. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? सो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को अच्छी तरह से एक मोड पे जाके डेवलप करके मोशन को अंडरस्टैंड करवाया कि मोशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और हो सकता है कि मोशन में इंक्रीज भी ना आए और डिक्रीज भी ना आए. तो उसको क्या कहते हैं सर? उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है सर? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आई रब दिस, सी किसी भी मोशन को जब हम देखते हैं, we used to keep two points, two point of view, ठीक है, वो two point of views क्या होते हैं? एक तो uniform motion होता है, दूसरा non-uniform motion होता है. अभी देखो मैं दो path को trace करता हूँ यहाँ पे, I'm going to put two paths, one path and another path, ठीक है, तो मैंने same distances के दो paths लिए, and I am taking the black color, तो ये आपका initial point है दोनों का, ठीक है, for every second पहली वाली बॉडी क्या कर रही है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, बोथ आर कैरिंग सेम डिस्टेंसेस, फॉर एवरी सेकेंड इट हैज ट्रेवल्ड 1 मीटर, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 मीटर, 1 सेकेंड, तो फॉर एवरी सेकेंड इट हैज ट्रेवल्ड 1 मीटर. तो आप कह सकते हो बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 1 मीटर पर सेकेंड. This is called as uniform motion. इसको uniform motion बुला जाएगा. ठीक है, ये तो clear हो गया. अभी non-uniform motion क्या होता है?
For say, for example, for first second it has traveled 1 meter. For next second it has traveled, say for example, 2.5 meter. ठीक है. Then again 2.5 से क्या हो गया? डेढ़ मीटर ट्रेवल कर गया है फॉर नेक्स्ट सेकेंड. मीन्स पहले यहां से इंक्रीज करा, देन फ्रॉम हियर अगेन इट हैज डिक्रीज्ड. सी हियर द मोशन हैज इंक्रीज्ड एट दिस पर्टिकुलर यू नो एरिया. इस एरिया में मोशन इंक्रीज हुआ और इस एरिया में मोशन डिक्रीज हुआ, ड्रॉप हुआ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज, इस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. क्योंकि यहां पे कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है मोशन में. फॉर एवरी इंस्टेंट, 3 सेकंड हो गए, तीनों सेकंड में डिफरेंट डिफरेंट मोशन है. ठीक है ना? तो आप यहां पे कह सकते हो कि देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई. इसी से क्या डेवलप होते हैं? इसी से आपके एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन डेवलप होता है कंसेप्ट. यहाँ पे हम दोनों केसेस में क्या बता रहे हैं? वेलोसिटी को बता रहे हैं. और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना? यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है. यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? एक केस में बढ़ रहा है, एक केस में घट रहा है. ठीक है, देखो इसमें बढ़ रहा है घट रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन बिल्कुल है ही नहीं. ठीक है, सो ये चीजें हैं. नाउ सो मोशन को हमने यहां तक देख लिया, एक्सेलरेशन तक, मींस पोजीशन से लेके वेलोसिटी, वेलोसिटी से लेके एक्सेलरेशन तक. बट वी डोंट नो अबाउट अदर 4 टर्म्स व्हिच इज नॉट फॉर सिलेबस. ये सिलेबस के लिए नहीं है, सिलेबस ऑफ क्लास 11. बट दीज आर इंटरेस्टिंग टर्म्स, यू जस्ट लिसन दैट, कि आप ये चीजें देखो है क्या. ठीक है, अभी देखो पोजीशन को मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक द सिंबल फॉर पोजीशन इज एक्स. ठीक है, तो मैं लिखूंगा इस फॉर्मूले के साथ x को लिखूंगा. ठीक है, सो x इज नथिंग बट इट इज पोजीशन. ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का आप पोजीशन को डिफाइन करना है. से फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट O, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ दिस ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. इसको वेलोसिटी बोला जाता है. इस पोजीशन को, ये अगर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द O, इफ इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dx by dt, ये डिस्टेंस है, तो यहां तक आके पहुंच रहा है. dx by dt लिखा तो दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी. ठीक है, एंड व्हेन यू राइट dv by dt इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी कम्स आउट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना? तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया पीछे के एग्जाम्पल से. बट वी आर गोइंग टू सी टू द नेक्स्ट टर्म कॉल्ड जर्क. तो इसको हमने वी करके डाला और इसको हमने ए करके डाला, तो इसको हम जे करके ले लेते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी राइट डी ए बाई डी टी, मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं, धक्का जिसे कहते हैं, जैसे धक्के लगते हैं. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द बसेस, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द बसेस एंड सडनली ब्रेक लगता है, इंक्रीज इन स्पीड है और इंक्रीज होते जा रहा है, और इंक्रीज होते जा रहा है, एकदम से कम हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया, फिर से कम हो रहा है, उसमें क्या लग रहा है आपको? यू आर गेटिंग जर्क्स, धक्के लग रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज जर्क. ठीक है, और अगर ये जर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगे, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, ओके, इफ यू आर टेकिंग जर्क्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ चेंज इन टाइम मींस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन जर्क्स, ज्यादा कम जर्क्स, ज्यादा लग रहे हैं फिर कम हो रहा है, जर्क ज्यादा लग रहे हैं फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है फिर ज्यादा लग रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज स्नैप. उसको हम कहते हैं स्नैप. ठीक है, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्नैप्स, ज्यादा कम होते जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रैकल. क्रैकल मतलब इधर उधर, उधर इधर उधर, पता ही नहीं चल रहा है कि कितने जर्क्स लग रहे हैं आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जर्क्स वेरिएशन कर रहे हैं, तो उसको आप स्नैप बोल रहे हो, और स्नैप का भी वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रैकल. इसको हम कहते हैं क्रैकल. ठीक है, और जब क्रैकल में
वेरिएशंस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज सडन अपियरेंस. मतलब बीजापुर से सीधा मतलब आपको इतने जर्क लगे हुए हैं, इतने स्नैप्स लगे हुए, इतने क्रैकल्स लगे हुए हैं, एंड यू डोंट नो दैट व्हाट हैज हैपेंड थ्रू आउट द रोड. दैट इज कॉल्ड एज पॉप. उसको आप कहते हो पॉप, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज पॉप. सो दीज आर टाइप ऑफ मोशन एंड दिस इज नॉट फॉर अवर सिलेबस. हमारे सिलेबस के लिए सिर्फ एक्सेलरेशन तक है. जर्क आपको कहीं एक जगह अगर वन मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, बट बेसिकली इफ यू वांट टू नो द चार्ट, आप इसको याद रख सकते हो. समवेयर इन सीईटी इफ दे आस्क क्वेश्चन कि चेंज इन जर्क क्या होगा, चेंज इन जर्क होगा स्नैप, एंड चेंज इन स्नैप क्या होगा क्रैकल, चेंज इन क्रैकल क्या होगा पॉप, ठीक है. सो दीज थिंग्स वी केम टू नो, हमें ये चीजें सारी पता चली. एंड वन थिंग, इतना तो हमें पता चला, और चीजें हमें क्या देखनी है पता है. वी नीड टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मोशन में हमने कहीं पे भी बात नहीं किया कि अगर एक बॉडी इस पोजीशन से यहाँ पे मूव कर रही है तो रीजन क्या है, ठीक है. व्हाट इज द रीजन, वी आर नॉट थिंकिंग दैट, हु इज पुशिंग दैट, कि इसको पुश कौन कर रहा है, इसको पुल कौन कर रहा है कि यार ये यहां से यहां पे जा रहे हैं. तो हम पुश और पुल के बारे में सोचना नहीं है. वी शुड नॉट थिंक अबाउट कॉज. ओके, सो वी नीड टू स्टडी अबाउट द ब्रांच वेयर द मोशन इज टेकिंग प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम वेलोसिटी कह लो या एक्सेलरेशन कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, ये सारी चीजें सीखेंगे इस ब्रांच में. एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज व्हाट टाइप ऑफ ब्रांच माय डियर किड्स, काइनेमेटिक्स. Where we don't study about the causes of motion. तो इस ब्रांच में हम लोग we don't study about the causes of motion. ठीक है. So ये आपको यहां तक आज का जो क्लास था कैसा लगा बच्चों? So this is lecture one, and I tried my level best to make you understand everything. So the next jo rahega, matlab in the lecture two, what we are going to study, it is all about the position ke bare mein study karenge, technically kaisa hota hai, aur path length in the sense iska aur ek dusra naam hai distance, theek hai, and displacement. So we are going to see the 3.2 wala point. To hamara ye jo next point rahega isi pe based rahega, position, path length as well as displacement. How you felt about this class? If you really liked the video, if you really kehte hai na pasand aaya aapko, to aap is video ko like kar sakte ho aur कमेंट कर सकते हो मेरे YouTube चैनल पे, एज वेल एज शेयर कर सकते हो, फाइन, विथ योर अदर कॉलेज फ्रेंड्स. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल माय डियर किड्स. चैनल, ठीक है. तो मेरे चैनल का नाम आप सब लोगों को पता है क्या है वो, ठीक है. इट इज फिजिक्स इंडियन प्रोफेसर, यही है, ठीक है. तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग पेशेंसली द कंप्लीट वीडियो लेक्चर 1. जय हिंद.